आपको किसी राजनेता ने इस पर फोन किया क्या? बहुत सारे नेताओं ने मुझे फोन करके कहा कि हिमांशु जी, बाबूलाल मरांडी ने आपको मैसेज भेजा है, हम लोगों ने भी देखा है, क्या इसके मायने हैं? तो मुझे हंसी भी छूटती है, क्योंकि इसी शहर में हम लोगों ने कई विधायकों को मदद किया, कई सांसद प्रत्याशियों को भी मदद किया, लेकिन आज तक किसी ने पलट कर हम लोगों को कभी कोई मैसेज नहीं किया कि आपको इस चीज की बधाई हो। क्योंकि यहाँ जैसे ही लोग प्रत्याशी हुआ करते हैं, उसके बाद जब विधायक बन जाते हैं तो उनका चेहरा बदल जाता है, और विधायक के बाद अगर गलती से वो मंत्री बन गए तब तो पूछिए ही नहीं कि उनके हालात क्या होते हैं। और ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि ये जिला उसका उदाहरण है, और हम लोगों ने कई मायने पे कई लोगों को देखा है कि कैसे वो बदल जाया करते हैं। खैर, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपनी जिम्मेवारी और अपना काम पूरी ईमानदारी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये जो नया चुनावी एजेंडा प्रोग्राम है, ये बहुत ही बेहतर है। मेरे जैसे पत्रकार, मेरे जैसे आम लोगों को अगर जिला बाई जिला वो प्रोत्साहन के लिए इस तरह के मैसेज भेजते हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश का जिनके हाथों में कमान है, ये लगता है कि अब सुरक्षित हाथों में ये कमान है। वो अगला व्यक्ति से लेकर पिछला व्यक्ति तक ध्यान रख रहे हैं, और हर उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके हौसले को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मेरे जैसे छोटे पत्रकार के व्हाट्सएप पर ये व्हाट्सएप आना प्रथम मुख्यमंत्री के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए हर्ष का विषय है, मेरे पूरे चैनल के साथियों के लिए हर्ष का विषय है, मेरे शुभचिंतकों के लिए हर्ष का विषय है कि राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री हमारे यहाँ एक मैसेज भेजता है।